हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। सो होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वह यूनेस्को की जो कि इनटेंजिबल कल्चरल साइट जो कि भारत में घोषित की गई है और अभी हाल ही में दुर्गा पूजा को उसमें ऐड किया गया है, जिसके चलते भारत में 14 अमूर्त विरासत स्थल हो गए हैं। तो आज हम लोग इन चीजों के बारे में ही देखेंगे कि यह एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय है पेरिस में और हमारा भारत 1946 में इसका सदस्य बना था। किसका? यूनेस्को का। तो देखते हैं जरा चीजें इसके बारे में हम लोग यहां पे। यूनेस्को की यदि हम बात करें तो इसके मुख्य यह चार इनिशिएटिव हैं, ठीक है, जैसे कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसके द्वारा ही यहाँ पर चलाया जाता है। ठीक है, इसके साथ हमारे भारत में यदि हम बात करें तो 18 तो हमारे यहाँ से नोटिफाइड बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज हैं, बट जो कि वर्ल्ड नेटवर्क के अंदर आते हैं यूनेस्को के द्वारा वह कितने आते हैं? 12 आते हैं। ठीक है, इसके साथ ही वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम की बात करें तो यह वही विश्व धरोहर स्थल है जो कि हमारे भारत से वर्तमान समय में कितनी है? 40 है। ठीक है, चलिए उसके बाद है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जो कि है यह पृथ्वी के जियो डाइवर्सिटीज एरियाज आ जाते हैं जिसमें कि उनके उस लोकल एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाता है। हमारे भारत से कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल नहीं है। द नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज के लिए। यदि हम नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज की बात करते हैं तो हमारे भारत से 5 शहरों को शामिल किया हुआ है, हैदराबाद, मुंबई, वाराणसी, जयपुर और चेन्नई को यहाँ पर शामिल किया हुआ है। ठीक है, अब आ जाती है हमारे यहाँ से यूनेस्को के द्वारा चलाया जाने वाला इनटेंजिबल कल्चरल साइट जो कि है उसके बारे में देखते हैं। चलिए, इसके बारे में ध्यान रखना कि यूनेस्को के द्वारा जो कि इनटेंजिबल कल्चरल साइट है ना, इसे 2008 में यूनेस्को की लिस्ट में ऐड किया गया था। ठीक है, इसे यूनेस्को की लिस्ट में यहाँ पर ऐड किया गया था, ध्यान रखिएगा। साइट की जगह हम लोग यहाँ पे हेरिटेज लिखेंगे क्योंकि ICH के नाम से इसे जाना जाता है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के नाम से। सो शॉर्ट में इसे ICH लिखा जाता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा 2008 में इसे ऐड किया गया था। यह कुछ ऐसी अनुष्ठानिक परंपराएं, ऐसे कुछ हमारे पारंपरिक चीजें होती हैं जिन्हें उसमें हम लोग सुरक्षित रखते हैं। अब जरा देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें कवर हो जाएंगी। हमारे भारत से सबसे पहली बार वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, जिस तरह से हमारे वैदिक मंत्रों का उच्चारण एक परंपरा के अनुसार किया जाता है, वह इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में आता है, जिसे कि 2008 में ऐड किया गया था। रामलीला, जिसमें कि रामायण के पारंपरिक का प्रदर्शन किया जाता है, भगवान श्री राम जी के जीवन का एक लीला उसमें दर्शाई जाती है, तो इसे भी 2008 में ऐड किया गया था और मैक्सिमम भारत में स्टेट्स में इसका आयोजन कराया जाता है रामलीला का। देन नेक्स्ट है कुटियाट्टम, जो कि एक संस्कृत थिएटर है जहां पे कि हमारी संस्कृत जो कि हमारी पुरानी चीजें रही हैं उनसे संबंधित नाटक का प्रदर्शन यहां पर किया जाता है ताकि लोग उनके बारे में जागरूक रहें। 2008 में इसे ऐड किया गया था। रमन की बात कर लेते हैं, यह भारत का एक अनुष्ठान थिएटर है। क्या है इसकी बात की जाए तो यह भारत का एक अनुष्ठान थिएटर है। धार्मिक त्योहार और जो कि हिमालय का वह गढ़वाल वाला क्षेत्र है वहां पर जो कि धार्मिक त्योहार और नाटक का आयोजन कराया जाता है उसके लिए यह बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे 2009 में ऐड किया गया था। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मुदियट्टू, जो कि केरल का अनुष्ठान थिएटर, यहाँ पर नृत्य नाटक का आयोजन किया जाता है। यह 2010 में ऐड किया गया था। कालबेलिया, यह राजस्थान में मुख्य तौर पर परफॉर्म किया जाता है राजस्थान के सपेरों के द्वारा। तो कालबेलिया के समय जो कि लोकगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है यह अपने आप में एक अमूर्त है, तो इसे 2010 में ऐड किया गया था। इसके साथ ही छऊ नृत्य की बात करेंगे, 2010 में इसे ऐड किया गया था। बोध जप, क्या हो जाएगा यहाँ पे? बोध जप की बात करते हैं तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर में जो कि बौद्ध धर्म के भिक्षुक हैं उनके द्वारा
है ना, इसके साथ ही जो कि हिमालय और लद्दाख वाला क्षेत्र है जहां पे कि बौद्ध धर्म से संबंधित लोग निवास करते हैं, बल्कि मठों में इनका आयोजन कराया जाता है बौद्ध जप का। ठीक है, तो इनको यहां पर 2012 में इनको ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 2012 में इनको ऐड किया गया था। मणिपुर का संकीर्तन अनुष्ठान गायन, जिसमें कि अनुष्ठान गायन किया जाता है, ढोल नगाड़ा बजाया जाता है और नृत्य भी किया जाता है, पूरा एक संकीर्तन के रूप में यह जाना जाता है मणिपुर का। 2013 में इसे ऐड किया गया था। यहीं पर हम लोग बात करते हैं जडियाला गुरु, पंजाब के अमृतसर में यह एक जगह है जहां पे कि यहाँ के जो कि यहाँ के ठठेरे हैं, वह पीतल और तांबे के एक पारंपरिक तरीके से यहाँ पर बर्तनों का निर्माण करते हैं। तो इस क्षेत्र को बर्तनों के निर्माण की चलते यहाँ पर 2014 में भारत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में ऐड किया हुआ है। देन नेक्स्ट है योग, जो कि भारत में मतलब कि योगा यहाँ पर किया जाता है, यह भी भारत की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में 2016 में शामिल किया गया था। यहीं पर नवरोज हुआ है ना, यहाँ पर जिसे कि नवरोज भी जाना जाता है, नवरोज या फिर नोरीज या फिर नवरोज, अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। इसे 2016 में ऐड किया गया था, जो कि पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। द नेक्स्ट है कुंभ का मेला, ठीक है, जो कि एक उच्च लेवल पर भारत में आयोजित किया जाता है, जिसमें कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करते हैं कुंभ के मेले में, और जिस परंपरा तरीके से यह पुराने समय से चलते हुए आ रहा है, तो यही सब चीजों को देखते हुए इसे 2017 में भारत की इंटेंजिबल कल्चरल साइट में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अभी हाल ही में 15 दिसंबर 2021 में पश्चिम बंगाल में जो कि भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, इसे भी शामिल किया गया है। तो टोटल यदि मैं बात करूं कुल मिलाकर के भारत से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में कितनी साइट हो गई है भारत की? 14 हो गई है, जिसमें कि 14th नंबर की कौन सी है? यहां पर दुर्गा पूजा है। तो उम्मीद करती हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी क्या आपकी विश्व धरोहर स्थल होती हैं और क्या अमूर्त विरासत स्थल होती हैं। तो इनमें डिफरेंस आपको पता चल गया होगा और अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, साथ ही नेक्स्ट टॉपिक का नाम आप बता सकते हैं कि किसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट अपनी शॉर्ट वीडियो रखें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्लास से जुड़िएगा, मैं डेली छोटे छोटे टॉपिक के साथ में आपको चीजें कवर कराती रहूंगी। इसके साथ ही मिलते हैं आज 10 बजे स्टैटिक जीके की लाइव क्लास में। सो 10 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ना ना भूले, स्टैटिक जीके के कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग क्लास में करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद जय भारत।